एकदम सही, नीतीश कुमार जी एकदम सही काम कर रहे हैं। पूरा विधानसभा का चप्पा चप्पा छनवा मारिए, कहां शराब की खाली बोतलें फेंकी गई है। और ये काम करेंगे डीजीपी और मुख्य सचिव, क्योंकि इनके पास तो यही काम है बचा है, शराब की खाली बोतलें ढूंढेंगे, बाद बाकी लोग आराम करेंगे। पूरा विधानसभा का चप्पा चप्पा ढूंढवा लीजिए, कहां शराब की खाली बोतलें फेंकी गई है। नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे और आप एनबीसी 24 देख रहे हैं। कल विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा था, अंदर विधायक लोग बहस कर रहे थे और इस बात को लेकर शपथ भी ले रहे थे कि ना हम शराब पिएंगे और ना ही ऐसी किसी गतिविधियों में शामिल होंगे। लेकिन विधानसभा के बाहर, तो बाहर विधानसभा के अंदर प्रांगण में ही खाली शराब की बोतलें फेंकी गई थी। जब ये बात विपक्ष को पता चला तो विपक्ष ने पक्ष के ऊपर चढ़ाई कर दिया। विपक्ष ने कहा किसी होटल में मिलता है तो होटल को सील कर देते हैं। आरजेडी का दुख दर्द था क्योंकि आरजेडी के एक विधायक का होटल सील हो गया था शराब की खाली बोतल मिलने की वजह से। अब आरजेडी को मुद्दा मिल गया। आरजेडी ने कहा कि एक होटल में खाली शराब की बोतल मिली तो आपने पूरे होटल को सील कर दिया। जहरीली शराब से मर जाने के बाद उस व्यक्ति के घर को सील कर दिया। विधानसभा में शराब की खाली बोतल मिली है, क्या करिएगा, सील होगा विधानसभा। मुख्यमंत्री जी ने डीजीपी और मुख्य सचिव को काम पे लगा दिया कि जल्दी पूरे विधानसभा का चप्पा चप्पा ढूंढ लीजिए, कहीं शराब की खाली बोतल तो नहीं रखी गई है। मेरी बड़ी बदनामी हो रही है। पहले उस वीडियो को देख लीजिए कैसे डीजीपी, बिहार के डीजीपी और मुख्य सचिव विधानसभा का चप्पा चप्पा ढूंढ रहे हैं, शराब की बोतल ढूंढ रहे हैं। देखिए किस तरह से उस वीडियो में डीजीपी साहब और मुख्य सचिव पूरे विधानसभा का चप्पा चप्पा हाइपोथेटिकल माय डियर, लेट मी सी द थिंग्स देन ओनली आई कुड टेल यू। सर लगता है कि कहीं कुछ इसमें गड़बड़ी हुई है या फिर आप हमें अभी हमें बहुत सारी चीजें हमने देख ली है, सुरक्षा में चूक हुई है, सुरक्षा में चूक हुई है लगता है। अभी 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 कुछ नहीं बोलेंगे, अभी कुछ नहीं बोलेंगे। ये कैसे सवाल खड़े कर पाए? अच्छा, आपको लग रहा है कुछ साजिश की बू आ रही है इस तरह से? भाई इसका तो जवाब दिया ना हमने, इतना बढ़िया तो जवाब दिया। अब क्या कुछ नहीं बोलेंगे ना? कैसे प्रथम दृष्टया लग रहा है कुछ साजिश? इसका जवाब नहीं दे सकते जब तक पूरी इंक्वायरी नहीं होगी, तब तक इसका जवाब नहीं दे सकते। ये हमारे आभास और हमारे क्या कहते हैं इमेजिनेशन की बात नहीं है ना। जो कुछ हुआ है यहाँ पर, जिस तरीके से ये इतना सेफ इलाका है, यहाँ पर इस तरीके से शराब आना, शराब की बोतलें मिलना, ये साजिश है? साजिश है कि नहीं है इसका तो जवाब तभी हम दे पाएंगे ना जब हम हमको आप इंक्वायरी करने दीजिएगा। आप लोग तो हमें एक मिनट भी कहीं खड़े ही नहीं होने दे रहे। तो देखा आपने पूरा चप्पा चप्पा खंगाल लिया गया बिहार विधानसभा का, और आज जो है शक्ति कर दी गई है पूरा कि एकदम कहीं से कोई बोतल ना लेके आ जाए, कोई शराब की बोतल लेकर विधानसभा के अंदर ना पी ले, बदनामी हो जाएगी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। हालांकि नीतीश कुमार जी ने यह बात कही है कि अब बिहार में कहीं भी शराब की एक बूंद भी नहीं दिखेगी, लेकिन उसका क्या जब बिहार विधानसभा में ही खाली शराब की बोतल मिल जाती है। हालांकि इस बात की जांच हो रही है कि यह बोतल आखिर आया कहां से। विधानसभा के अंदर कैमरे लगे हुए हैं, कैमरे में उस व्यक्ति की जांच होगी कि आखिर ये बोतल लाया कौन। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे एनबीसी 24।